हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिनरल साइक्लिंग। सो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज जिस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल में अगर बायो जियो केमिकल रोल की अगर बात किया जाए सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो है उनका, या मिनरल साइकिल में जो रोल है, ये एक ऐसे एजेंट की तरह वर्क करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनकी प्रोसीजर है। तो अगर हम इस ओवरऑल पूरी प्रोसेस की बात करें कि जो मिनरल साइकिलिंग है इसको हम एक टर्म बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनरलाइजेशन। इस पूरे कन्वर्जन में कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स जो कि कंटिन्यूटी ऑफ द एलिमेंट्स को बनाए रखने में, रेगुलरली जो सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं उसको बनाए रखने के लिए, जो कि प्लांट और एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं रेगुलर बेसिस पर न्यूट्रिएंट के लिए, तो उस पूरी साइकिल को हम मिनरल साइकिलिंग, और उसमें हम रोल की बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो अगर बात किया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एसेंशियल रोल है इस साइक्लिक प्रोसेस में, या तो वो इसको रीयूटिलाइजेशन करेंगे एलिमेंट का नेचुरल कंडीशंस में साइक्लिक प्रोसेस की मदद से। सो, इस तरीके से जो रिसाइकिलिंग होगी इस पूरे में, अगर जो भी रिसाइकिलिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी वही मिनरल साइकिलिंग में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कई तरीके से हम यहाँ पर मिनरल साइकिलिंग को स्टडी करेंगे, बट उसमें पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो हम बात करें उसको जो है बायोकेमिकल इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलने की प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल का अगर बात किया जाए तो इसका क्या इम्पोर्टेंस निकल के आता है, ये प्लांट न्यूट्रिशन में बायोकेमिकल इवेंट्स को चलाने में, तो इसके जो है हम इसका कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा, नाइट्रोजन साइकिल को पहले हम सीक्वेंस में बात करेंगे फिर उसकी प्रोसेसेस में बात करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन फिक्स करने का, वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में फिर देन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलने का, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो प्रोसेस होगी उसको जो परफॉर्म करेंगे वो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, देन एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, ये मोस्टली ये बैक्टीरिया जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देन यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगी इस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्मेशन में यूज़ किया जाएगा। तो जो भी फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज किया जाएगा बाय द प्लांट कन्वर्टेड टू प्रोटीन और प्लांट कंज्यूम्ड बाय और बाय द एनिमल्स। तो एनिमल के लिए तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन है वो प्लांट को इंटेक करने से मिल जाती है। तो ये प्रोसेस तो यहाँ नेचुरली परफॉर्म, मतलब जो है इसको तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड में हम बात करते हैं। सो, यहाँ पर जो यूटिलाइज होती है प्लांट के जो प्रोटीन्स हैं, तो प्लांट को कंज्यूम कर लिया जाता है एनिमल्स में, तो एनिमल को डायरेक्टली उनके प्रोटीन्स फॉर्म्ड हो जाते हैं बॉडी में। फिर अगर इन एनिमल्स की जो अगर हम बात करें तो सॉइल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, तो जो भी इन एनिमल्स से या प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो सॉइल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का सोर्स बन जाते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है, या डायरेक्ट अमीनो एसिड एक्सक्रीट आउट अगर किए जाते हैं, डेड एनिमल्स हैं उनके टिश्यूज हैं तो ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं सॉइल में। तो प्रोसेस वैसी ही चल रही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से यहाँ फिक्स हुआ, फिर यहाँ से यहाँ फिक्स हुआ, देन सॉइल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन आ चुका है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो यहाँ है अब इसका डिग्रेडेशन होगा,
तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, जो कंपोनेंट होंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या बन सकता है, वो हो सकता है प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनका ब्रेकडाउन होगा। इनके ब्रेकडाउन से क्या बनेंगे, इसके लिए जो है वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिग्रेडेशन करेंगे। देन अगर बात किया जाए तो ये ब्रेकडाउन करने से मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स बनेंगे। अब मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड बन गया है, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड की जो प्रोसीजर होगी नेक्स्ट वो होगी अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। अमोनिया फॉर्मेशन किससे होगा, इन अमीनो एसिड्स की मदद से। तो जो अमीनो एसिड यहाँ फॉर्मड ऑफ हुए हैं वही अमीनो एसिड का डीअमीनेशन होगा। अमीनो एसिड डीअमीनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें प्रेजेंट एंजाइम्स की मदद से। तो अमोनिया से फिर एंड प्रोडक्ट बनेंगे, फिर आगे प्रोसेस चलती जाएगी। तो फिर यहाँ पर अमोनिया का सिंथेसिस हो जाएगा, अमोनिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अब जो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, अमोनिया के फॉर्मेशन से जो होगा वो अगला होगा नाइट्राइट फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा नाइट्राइट, यहाँ फॉर्मेशन होगा नाइट्राइट का। दिस इज नाइट्राइट फॉर्मेशन। तो यहाँ अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा टू नाइट्राइट बाय नाइट्रोसो मोनास। ये तो सिलेक्टेड बैक्टीरिया है जो नाइट्रोसो मोनास ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। देन इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल दिया जाएगा, तो नाइट्रेट फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हमने बोला नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में बाय नाइट्रोबैक्टर की मदद से। नाइट्रोबैक्टर के पास वो कैपेबिलिटी है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है। यही नाइट्रेट जो है, यही नाइट्रेट सर्व एज प्लांट फूड डायरेक्टली। प्लांट इसको इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, देन इस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं प्लांट। देन सो अगर बात किया जाए कई सारे मैनी स्पीसीज, अगर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में बात किया जाए, ये भी नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नाइट्रेट दोबारा अमोनिया में बदली जा सकती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे हेटरोट्रॉफिक स्पीसीज हैं जो ऐसा परफॉर्म कर सकती हैं। देन अब जो नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, नाइट्रेट से कुछ बैक्टीरिया जो हैं, जो फार्मर फ्रेंडली हम जिनको ना बोलें, क्योंकि वो फार्मर फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि वो नाइट्रेट के कंपाउंड को डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की मदद से इस नाइट्रेट को जो है गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास डीनाइट्रिकेंस। तो ये बैक्टीरिया जो हैं दोबारा इस नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में, जो कि एटमोस्फियर में चली जाएगी दोबारा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, तो इसको हम नाइट्रोजन साइकिल में कंसीडर करेंगे। ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट। इसमें रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, कहाँ कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। यही जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। अमोनिया एज नाइट्रोजन सोर्स, और जो है सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, इसको एज अ सोर्स ये यूज कर सकते हैं यहाँ से भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन तो ये तो हुआ पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो कि नेचर में परफॉर्म होती है, और रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें रोल की भी बात हो गया। देन अब हम बात करें कि एक्चुअल में ये प्रोसेस में क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म होती हैं जिससे कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है इनमें, और हम स्पेसिफिकली यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, प्यूरीन्स हैं, पायरिमिडीन्स हैं, या और भी जो अमीनो शुगर्स हैं, ग्लूकोज अमीन है, गैलेक्टोज अमीन है, ये जो प्रेजेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में डिपॉजिटेड होते हैं। तो सॉइल में डिपोजिशन से जो है एनिमल प्लांट वेस्ट के फॉर्म में ये सॉइल में डिपॉजिटेड होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो कोई सिंथेटिक प्रोसेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है गैसियस एलिमेंटल नाइट्रोजन में, ये भी प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होती है। तो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस टू प्रोटीन का बनना,
प्रोटीन से दोबारा गैस का बन जाना, अल्टीमेटली यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम समराइज करें कुछ प्रोसेस में, तो वो है प्रोटियोलिसिस। सबसे पहले प्रोटियोलिसिस एक्चुअल में है क्या, जो भी नाइट्रोजन प्रोटीन में है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड में है, प्रोटीन से पेप्टाइड में बदलना प्रोटीएजेस की मदद से, और पेप्टाइड से अमीनो एसिड्स में बदलना पेप्टिडेजेस की मदद से, ये एंजाइम्स हैं जो इनको आपस में कन्वर्ट, मतलब जो है एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसके अगर हम कंसर्न बात करें, तो नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन में अवेलेबल है, सबसे पहले तो वो लॉक्ड हो जाती है वहाँ पर, फिर ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो जब तक इस ब्लॉक्ड नाइट्रोजन के लिए, जो लॉक्ड हो गई है या नाइट्रोजन को, इसको दोबारा अगर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोटीन को दोबारा पेप्टाइड्स में बदलना पड़ेगा और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। देन तो इससे नाइट्रोजन जो है दोबारा रीयूज में आ जाएगी। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन होता है, जिसको हम प्रोटियोलिसिस बोलते हैं। तो प्रोटियोलिसिस की प्रोसीजर होगी, तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएज जो हैं वो रिलीज करेंगे अपने सेल से, और ये उस प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। ऐसी कैपेबिलिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, फंजाई, बहुत सारी, जैसे एस्परजिलस है। तो इस तरीके से क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेंस है, क्लॉस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम है, इन सभी ऑर्गेनिज्म को आप जरूर मेंशन कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, पहले पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड से अमीनो एसिड्स में। तो फिर ये रेडियली अवेलेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाते हैं अमीनो एसिड्स। देन अगली अगर हम बात करें तो वो है अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन कैसे होगा। अमीनो एसिड का अगर डिग्रेडेशन करना है तो प्रोसेस करनी पड़ेगी अमोनिफिकेशन। अमीनो एसिड से को डिग्रेड करने की जो प्रोसेस है वो है अमोनिफिकेशन। हमने यहाँ भी बात किया था, जो अमीनो एसिड बदले थे वो अमोनिया फॉर्मेशन में, प्रोसेस थी अमोनिफिकेशन। तो अमीनो एसिड डिग्रेडेशन इज अमोनिफिकेशन। कैसे होगी, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटियोलिसिस हैं, जो अमीनो एसिड बने थे, इनका फेट क्या होगा, ये सॉयल में यूटिलाइज होंगे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनको डिग्रेड किया जाएगा माइक्रोबियल अटैक के द्वारा, और फिर यहाँ पर माइक्रोबियल अटैक होगा तो ये अमीनो एसिड जो है, कुछ माइक्रोबियल पाथवे ऐसी परफॉर्म होती हैं जिससे इनको डिकम्पोजिशन होता है। जैसे एक प्रोसेस है एलानिन से पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन हो सकता है, तो जो एलानिन है ये हाफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एलानिन डी अमीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एलानिन डी अमीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बदल देगी इसको पाइरुविक एसिड में और अमोनिया में, तो प्रोसेस हो गई अमोनिफिकेशन। इस पूरी प्रोसेस में जो अमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है, इसमें अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा, और जो अमोनिया है, ये जो प्रोड्यूस्ड अमोनिया है ये सॉयल की कंडीशन में पड़ी रहेगी, और अमोनिया जो एक्चुअल में जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। जैसे अगर बात किया जाए तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस में फॉर्म हो जाती है, और सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी ये है कि इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है बाय प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए नाइट्रेट्स में, तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी हो सकती है, इसके बाद भी डायरेक्टली सीधा नाइट्रेट्स में बदला जा सकता है, और फिर वो नाइट्रेट जो है वो प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसी भी प्रोसेस यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। देन दूसरी प्रोसेस अगर बात करें, अब ये तो बदल गया इस कंपाउंड में, दूसरी प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अमोनिया को कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रेट में, इसी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया को किसमें बदलना, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदलने की प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। ये दो स्टेप में कन्वर्ट हो, ये दो स्टेप में पूरी होती है, जिसमें अगर हम बात करें टू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्लस थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बदल जाते हैं टू एच एन ओ टू में प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल में, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ जो बैक्टीरिया यूटिलाइज होते हैं वो होते हैं अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ए ओ बी, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसा करने में कैपेबल
होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ये बैक्टीरिया परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें नाइट्राइट का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, पूरी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में, तो इसमें अमोनियम जो है नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल जाता है, और दो स्टेप में तो होती है। सबसे पहले नाइट्राइट फॉर्मेशन होता है और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट का कन्वर्जन हो जाता है। तो जैसे NH4+ है, अगर बात किया जाए टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो अगर बैक्टीरिया है या कोई फंजाई है, जैसे नाइट्रोसोकोकस है, नाइट्रोसोमोनास है, एस्परजिलस की स्पीसीज हैं, ये सब ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो 2HNO2 में बदल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, एस्परजिलस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसो विब्रियो, नाइट्रोसोकोकस, ये कैसे बैक्टीरिया हैं? ये बैक्टीरिया जो हैं वो है अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और फंजाई। एस्परजिलस तो फंजाई है। देन दूसरी प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन किसका? नाइट्राइट का नाइट्रेट में, नाइट्राइट का नाइट्रेट में। इसमें हाफ ऑक्सीजन यूज होगी, तो यहाँ जो बैक्टीरिया यूज होंगे वो नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेडेस्की। नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेडेस्की ये प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेडेस्की यहाँ पर यूटिलाइज होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया, अगर हम इनके स्पीसीज लेवल पर भी जाएं, तो बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कीमोलिथोट्रॉप्स के जैसे वर्क करते हैं और यहाँ पर वो यूटिलाइज करते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। तो जो अभी हमने बात किया, यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास, यूरोपिया, नाइट्रोसोविब्रियो, टीनियस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसस, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म आप और यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, नाइट्रोस्पाइना, ये भी नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। देन तो नाइट्रोबैक्टर विनोग्रेडेस की भी है। देन तो इस तरीके से हम इनकी बात कर सकते हैं। देन अगला है नेक्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पर होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को एक्चुअल में एक विनोग्रेडेस की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दैट्स वाई इसका नाम विनोग्रेडेस की पड़ चुका है। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनिया, एक ये प्रोसेस भी होती है। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कैपेबल होते हैं कन्वर्ट करने में, कि वो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदल सकते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में बदल सकते हैं। बट इस प्रोसेस में अगर बात किया जाए, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट्स और अमोनिया में, ये बदल सकते हैं? नॉर्मली ये एनारोबिक कंडीशंस में परफॉर्म होती है ये रिएक्शन, और वाटर लॉग्ड कंडीशन या जहाँ पर सॉइल होती है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो यहाँ पर इसलिए बोला HNO3+4H2, इसलिए रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, और यहाँ पे बदल जाएगा ये NH3 में और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ऑफ द नाइट्रेट सर्व एज एन एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन जो है वो इसको यूटिलाइज करती है। देन अगर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए, तो बहुत सारे जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं NO3 को, NO3- को N2 में बदलने में। यहाँ पर बहुत सारे जैसे एक्रोमोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम, एल्केलीजेंस, बैसिलस, क्रोमेशियम, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरीके की रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगली प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन की। प्रोसेस में अगर हम बात किया जाए, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, जिसमें अभी हमने बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में बताया, ये सारे बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें, तो डीनाइट्रिफिकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू गैसियस नाइट्रोजन में। डीनाइट्रिफिकेशन 2H2NO3- 2NO2- 2NO, तो ये नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और ये बदल जाएगी दोबारा नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस में।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन की। बैक्टीरिया अभी हमने आपको बहुत सारे बताए, जैसे कि एक्रोमोबैक्टर, एग्रोबैक्टीरियम, एल्केलिजेंस, बैसिलस, क्रोमोबैक्टीरियम, फ्लेवोबैक्टीरियम, हाइफोमाइक्रोबियम, ये सारे यहाँ पर मेंशन हैं। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, विब्रियो, ये सारे ओवरऑल ये बैक्टीरिया जो हैं ये इस तरीके की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। देन यहाँ जो इतनी सारी ये डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो एक तरीके से फार्मर फ्रेंडली प्रोसेस तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो इस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनर्ट गैसियस मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन इंटू सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरीके की प्रोसेस जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो तरीके से हो सकती है, ए बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, बट हमें बात करनी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें 60% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्स जो अगर होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत तरीके से रोल आता है, और उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो बताया हुआ था, जो फर्स्ट स्टडी किया था वो भी इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था, विनोग्रेडेस्की साइंटिस्ट ने 1891 में ये प्रोसेस को बताया था। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री लिविंग अगर बात किया जाए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्री रह के मतलब इनको किसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने से फ्री लिविंग रह के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, ऐसे बैक्टीरिया कहलाएंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे कि उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है जिससे ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि उन बैक्टीरिया को जो कि एयरोबिक भी हैं, एजोटोबैक्टर यहाँ है, बेजरनीका है, एजोस्पाइरिलम है, क्लॉस्ट्रिडियम है, मिथेनोकोकस है, ये कार्की बैक्टीरियम है मिथेनोकोकस, बेसिलस है, क्लेप्सिएला है, ये फैकल्टेटिव एयरोब्स हैं, डी सल्फो विब्रियो है, देन क्रोमेशियम है, रोडोस्पाइरिलम है, रोडोस्यूडोमोनास है, ये भी फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये सब बैक्टीरिया जो हैं वो फ्री रह के नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जबकि दूसरे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में अगर बात किया जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक है, एनाबियना है, ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, और ये अपने में हेटरोसिस्ट कैरी करते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है। सो दिस इज अबाउट फ्री लिविंग में अगर हम बात करें, और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ओलोसिरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, कैलोथ्रेक्स, तो ये ऑसिलेटोरिया, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं कुछ तो इनमें से पैडी फील्ड में, मेज फील्ड में कई तरीके से जो हैं यूज़ किए जाते हैं, इनका यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में। दूसरा ग्रुप जो है, पहला तो हो गया फ्री लिविंग, दूसरे हैं सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलग है, तो दोनों ये जो हैं वो कैपेबल होते हैं। अगर हम एल्गी में बात करें तो नॉस्टॉक और एनाबियना की अगर हम बात करें तो ये बहुत सा जो अगर बात करें तो ये कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस में अवेलेबल होते हैं, एजोला जो है जो फ्रॉन्ट्स ऑफ एजोला पिनाटा में मिलते हैं, ये कई तरीके के जो हैं वो लिचेंस के साथ में एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो एजोला अगर पिनाटा की बात किया जाए तो ये कॉमनली ये भी पेडी फील्ड में ग्रोथ किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में तो सभी ने सुन रखा होगा
मोस्ट कॉमन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम फ्रेंकिया। तो राइजोबियम में अगर बात किया जाए तो राइजोबियम की स्पीसीज जो हैं वो लेग्यूम रूट नोड्यूल फॉर्मिंग जो हैं इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, जैसे और ये जो प्लांट है जैसे अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, पी ग्राम और लेंटिल बीन्स, इन सभी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रूट नोड्यूल फॉर्म करता है और ये रूट नोड्यूल फॉर्म करके प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है और बैक्टीरिया को वहाँ पर शेल्टर मिलता है। तो ये सब प्रोसेस वही नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में है, कई बार इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने सभी ने। देन दूसरा है, अगर हम बात करें एक और बैक्टीरिया है जैसे कि हम इसी में जो बोलते हैं ब्रेडी राइजोबियम, ये भी इंक्लूड किया जाता है, ये भी एक फ्रेंकिया है जो है तो सिम्बायोन्ट रूट नोड्यूल ऑफ अ नंबर ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, ऐसे प्लांट जो कि नॉन लेग्यूमिनस हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है, जैसे एलनस में प्लांट है एलनस, कैजुराइना, तो इन सभी प्लांट्स में तो इस तरीके से ये मदद करता है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया वैसे अगर बात किया जाए तो ये एक फिलामेंटस बैक्टीरियम है और जो कि एक्टिनोमाइस्टस बैक्टीरियम है, ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है फ्री और सिम्बायोटिक स्टेट में दोनों तरीके से। तो यहाँ पर हम फ्रेंकिया का भी बात कर लिया। जेंथोमोनास ये भी सिम्बायोटिक बैक्टीरियम के जैसे बिहेव करता है, जैसे कि आर्डिसिया में कई तरीके की रूबेसी फैमिली के मेंबर्स में प्लांट की जेंथोमोनास ये जो है सिम्बायोंट के जैसे वर्क करता है। तो इस तरीके के जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो सिम्बायोंट हैं माइक्रोस्कोपिक हैं तो हम इनको माइक्रो सिम्बायोंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, माइक्रो तो है ही और सिम्बायोंट्स के जैसे बिहेव करते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर प्रोसेस को अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पूरी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसीजर के लिए जो अगर हम बात करें तो इसके लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें अगर हम पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, यहाँ पर बात किया गया है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और इस एंजाइम के लिए मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कंपोनेंट्स भी इसके लिए रिक्वायर होते हैं। देन आयरन प्रोटीन इसके लिए रिक्वायर होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं, ये दोनों कंपोनेंट जो है वो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिएजेंट वो होते हैं, वो एजेंट होते हैं फेरिडॉक्सिन फ्लेवोडॉक्सिन, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है पूरी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और इसके लिए जो है रेगुलेटिंग सिस्टम होता है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में प्लस 12 ATP की प्रेजेंस में 12 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की मदद से इसको 2NH4+ में प्लस 12 ADP प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 4 प्रोटॉन इसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्चुअल में प्रोसीजर है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बाकी अगर इसको और डिटेल में कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है इसको जो है दूसरे लेक्चर में हम स्टडी कर सकते हैं, बट वो प्रोसीजर यहाँ रिक्वायर्ड अभी नहीं है क्योंकि वो नोड्यूल फॉर्मेशन की है। यहाँ हमें बात करना था रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिनरल साइक्लिंग और वो भी नाइट्रोजन साइकिल में। सो थैंक यू।